विश्व कप खत्म होते ही आईसीसी वन डे रैंकिंग में बड़ा उलटफेर। किस स्थान पर है टीम इंडिया? विश्व कप खत्म होने के बाद आईसीसी ने वन डे रैंकिंग जारी की है। नई रैंकिंग में सबसे अधिक फायदा चैंपियन इंग्लैंड और रनरअप न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को हुआ है। टीम के रूप में इंग्लैंड ने रैंकिंग में अपना पहला स्थान कायम रखा है और नंबर दो पर मौजूद भारतीय टीम से उसका अंकों का फासला बढ़ गया है। भारत के 122 अंक हैं, जबकि इंग्लैंड के 125 अंक हो गए हैं। आइए जानते हैं कि किस खिलाड़ी को विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन का फायदा मिला है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को बल्लेबाजों की रैंकिंग में दो स्थान का फायदा हुआ है। वहीं इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय पहली बार टॉप 10 में जगह बनाने में सफल हुए हैं। गेंदबाजों में इंग्लिश पेसर वुक्स को विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन का फायदा मिला है। क्रिस वुक्स 6 स्थान आगे बढ़कर 7वें पर पहुंच गए हैं, जो उनके करियर की अभी तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। वहीं न्यूजीलैंड के मैट हेनरी 5 स्थान की छलांग के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का दबदबा बरकरार है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पहले स्थान पर काबिज हैं, वहीं दूसरे स्थान पर विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा बरकरार हैं। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। चौथे स्थान पर विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफी डु प्लेसिस हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी लीग मैच में शतक लगाया था। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर 5वें स्थान पर हैं, वहीं केन विलियमसन लंबी छलांग के साथ 6ठे स्थान पर आ गए हैं। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर हैं, जिन्होंने इस विश्व कप में 647 रन बनाए हैं। वार्नर को एक स्थान का नुकसान हुआ है। वहीं इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय 3 स्थान आगे बढ़ते हुए 10वें नंबर पर आ गए हैं। इंग्लैंड के बेन स्टॉक्स को विश्व कप फाइनल में शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला है और वे अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर रैंकिंग में पहुंच गए। स्टॉक्स बांग्लादेश के शाकिब अल हसन के बाद दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी हैं और पाकिस्तान के इमाद वसीम ने चौथा स्थान हासिल किया है। 5वें नंबर पर अफगानिस्तान के राशिद खान हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पर कायम है। उन्होंने विश्व कप में शानदार गेंदबाजी की थी। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट में बढ़िया गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में टीम इंडिया के खिलाफ जीत दिलाने अहम भूमिका निभाई थी। तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के कागिसो रबांडा और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस आ गए हैं। इमरान ताहिर को विश्व कप में बढ़िया प्रदर्शन का फायदा मिला है और वे 5वें स्थान पर हैं। इंग्लैंड के जुफ्रा आर्चर को रैंकिंग में फायदा हुआ है, वह टॉप 30 में पहुंचने में सफल रहे हैं। टीम रैंकिंग रेटिंग: इंग्लैंड 125, इंडिया 2 122, न्यूजीलैंड 3 112, ऑस्ट्रेलिया 4 111, दक्षिण अफ्रीका 5 110, पाकिस्तान 697, बांग्लादेश 790, श्रीलंका 879, वेस्ट इंडीज 977, अफगानिस्तान 1059।